श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। वाणी श्री गुरु रविदास महाराज जियों की। ओंकार सतगुरु प्रसाद। सतनाम सतनाम सतनाम। पते वाणी श्री गुरु रविदास महाराज जियों की। ओंकार सतगुरु प्रसाद। हंस हो विकार न करो भूर।
तुझको गई परदेश जाने जरूर हर मिले पावन थो जन नूर कहे रवदास विचार के रहो भगवान हजूर सेवन वाला देश है तिथ की करमन आप सतयुग रत पालिया तेरी मिटी आकाश अंतर्यामी जानता लेखे साफ ग्राफ आज्ञा गुरु की चितर साधन को रख पास भक्षण हारा भक्सी प्रभु कहोए दास भाषण कर गुरु नाम को खंडर रख व्यास अमृत वेला नाम सत चार युगों में भास संसदो कारण धरो कहत पये रवदास वाणी जप हर मीत सतसंगत कर संगी दुष्ट दया गोरीत श्वास श्वास सिमरन करो जन्म अमोलक जीत सोहंग नाम के भजन से दूर होए सब पीत तू ही रटता रहे और न लावे चेत मान पाए जिन से प्रभ सो पाए प्रीत नाम निशान प्राप्ते जो गावत हर के गीत रवदास कहे सत्संग में अभ्रपद सत गुरु दीत गुरुमुख से ती प्रीत रख कुकरम से मन बंद सत को इंद पाल गुरु और आवर जान सबंद अंधेर मचो सर्व जगत में प्रकाश न बिन गुरु चंद पड़तन गुरमुख सत जानत में सर्व संत गुर ही धारे रूप सब खेले खेल आनंद जन रमदास पुकार के जपो कर बंद सर्व निसाहिब एक है दूसर कौन कहाए मुक्त न पावे भजन बिन जो उत्तम आप सराए आकर नजर न आवही कबू न लेखे लाए जो चाहे कल्याण को सतगुरु लये मनाए गुणवंतिया संग गुण बसे जो तू ध्यान लगाए रवदास कहे संसार में बहुर वचन पे भाए हर सोही आचार के कहे आने की आस नर दो जग जाएंगे सतमा के रवदास प्रेम पंथ की पाल की रवदास गुरु परिसाद सिंह जी ये जेडे बच्चे बड़े ही प्रेम दे नाल इन्हां ने आप जी नूं सतगुरु जी दी बाणी दे नाल रूबरू कराया है गुरु परिसाद सिंह जी साडा इको एक मकसद है कि जेड़ा साडा धर्म है रविदासिया धर्म वो सब तो पहला महिला नूं अगे आण दा हक अधिकार दिंदा है मैं अक्सर देखिया है कि लोग ये गल कहते हैं कि जड़ी महिला है वो सिर्फ घर तक रह सकती है वो घर तो बाहर नहीं निकल सकती ते संगत जी इस करके बेनती अरदास है अपने बच्चियां नूं अपनी बच्चियां नूं
गुरबाणी दे नाल जरूर जोड़ो क्योंकि गुरबाणी जदों इह बच्चियां पढ़नगी ते आण वाला जिहड़ा साडा समाज है ओह माताओं भैणां करके ही जागरूक होएगा क्योंकि संतां महापुरशां दी बाणी है। सतगुरु जी भी कहिंदे आ कि जननी जने तो संत जने या दाता या सूर नहीं तो जननी पांच रहे काहे गवावे नूर। भी अगर जननी किसी संत किसी सूर वीर किसी दाता को जन्म नहीं दे सकती तो ऐसी जननी को बांध रहना ही अच्छा है। तो इसलिए संगत जी जब आप अपने बच्चों को अपनी माताओं बहनों को घर से बाहर निकालोगे गुरु घर से सतगुरु जी की वाणी से जोड़ोगे तो ऐसे हीरे कौम के जो है वो बाहर निकल के आएंगे। क्योंकि मैंने घर घर जाकर देखा है हमारे समाज की बच्चियां जो पाठ करना कीर्तन करना सीखना चाहती हैं पर हमारे समाज की छोटी सोच कुछ लोगों की जो सोच है वो उन्हें आगे नहीं आने देती कि लड़की है क्या करेगी शादी तो करनी है। ऐसा नहीं है संगत जी। संतों महापुरुषों ने भी हमें यही ज्ञान दिया है कि सबसे पहले अपनी माताओं बहनों को जागरूक बनाओ। जब माताएं बहनें जागरूक होंगी तो अपना आने वाला भविष्य अपने आप जागरूक होगा। तो संगत जी इन्हीं शब्दों से मैं क्षमा चाहूंगा कोई भी इन बच्चों से गलती होगी मैं माफी मांगता हूं क्योंकि पहली बार ये बच्चे स्टेज पे बैठे हैं आज से पहले स्टेज पे नहीं बैठे थे पर सतगुरु जी की कृपा रही है कि इन्होंने बहुत अच्छा कंठ वाणी जो है गुरुदास महाराज जी के आपके सामने पेश की। तो सभी संगत को जय गुरुदेव धन गुरुदेव जो बोले सो नृत्य जगत गुरु रविदास महाराज की जय।